नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बर्थडे पार्टी के दौरान वहां से गुजर रहे कुछ युवकों द्वारा आपसी कहासुनी के कारण दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। घायल युवकों के अनुसार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मुखबिर की सूचना के आधार पर दो युवकों को गिरफ्तार किया है और फिर उनको क्षेत्र में रिक्रिएशन कर घटना स्थल पर भी ले जाया गया। दरअसल शहर में लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लूटपाट, डकैती और चाकूबाजी जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। जरा सी कहा सुनी के चलते बर्थडे पार्टी के दौरान आपा खो बैठे दो युवकों ने धारदार हथियार से राहुल मराठा और उसके दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक के अनुसार पुलिस ने प्रीतम कुशवाहा और अमित सोनी नामक दो युवकों को पकड़कर घटनास्थल पर ले जाया गया, जहां पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पकड़े गए दोनों ही युवकों से पुलिस अन्य अपराधी घटनाओं को लेकर भी पूछताछ में जुटी हुई है। 4 अगस्त की रात स्कीम नंबर 78 में एक बर्थडे पार्टी, मतलब जो जन्मदिन आयोजन किया जा रहा था, उस दौरान एक बाइक से लोग निकले थे और उसमें बर्थडे आयोजन के दौरान ही कुछ आपसी कहासुनी विवाद हो गया था। इस दौरान जो लड़के थे दोनों, उन्होंने वहाँ पे दो लड़कों को चाकू मारे थे और दोनों लोगों को चाकू जो थाई के नीचे घुटना नी पैर है वहाँ पे चोट लगी थी, स्टैब्ड वुंड थे, मतलब जो धारदार हथियार से घाव थे। पुलिस ने उसमें 307 की कार्रवाई की थी और हत्या का प्रयास जो मामला दर्ज हुआ उसमें दोनों ही जो आरोपी नामजद थे इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके जो घटना स्थल था स्कीम नंबर 78 वहाँ पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया गया है और ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं उनकी लगातार इस बात पर कार्रवाई की जा रही है कि अगर कोई भी किसी प्रकार का, चाहे वो फायर आर्म्स हो या अगर कोई धारदार हथियार का उपयोग करेगा या कैरी करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो न केवल इसमें गिरफ्तारी की गई है बल्कि अन्य जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, प्रिवेंटिव एक्शन है, वो भी इसमें लिया जा रहा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और